गोली अखिया न मारे कुड़ी टा करके, गोली अखिया न मारे कुड़ी टा करके, गोली अखिया न मारे कुड़ी टा करके, गोली अखिया न मारे टा टा करके। सुनिए कि तेरी गेम बड़ी स्ट्रॉन्ग, पंगा ले यानी तू मुंडे नाल रॉन्ग, मेरे उत्ते तेरा चलना नहीं टैक टैक, दिल रखा विच बुलेट प्रूफ जैकेट, मुंडा देसी ना मैं बर्गर बॉय, बंदा मार दे मैं पुछदा नहीं वाय, टेलीस्कोप विच होया जेड़ा फोकस, हेडशॉट ए निशाना है डा चोकस, बिकी है पैराशूट ते, लाइक आई एम फॉलिंग ऑन अ क्लाउड जीवे, तेरी सोचा तो अबव जीवे, तेरा चलना ही बाकी। अस्सलामुअलैकुम पब्लिक, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बाबा जी आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं अपनी ना वीडियो की तरफ। तो वीडियो का सीन ये है कि ना मतलब कि बहुत दिनों बाद है ना अभी लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि ना एक TDM ही लगा लेते हैं। तो TDM अगर अच्छा चले जाता है तो जल्दी टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और वीडियो भी बन जाएगी, तो इसलिए मैंने ये TDM खेला है। तो फाइट लास्ट तक इन्जॉय करना, फाइट है ना मतलब कि बहुत इंटेंस होने वाली है, मतलब किल्स हमारे बहुत करीब करीब होते हैं, तो लास्ट तक देखना। ये न्यू मैप भी आया था अरीना का, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ना ये न्यू वाला मैप लगाते हैं और इसमें करते हैं 1v1। तो चलते अपनी गेम की तरफ। वीडियो लास्ट तक लाजमी देखना, बहुत इंटेंस फाइट है, मतलब कि ना आधे से ज़्यादा टाइम तक तो हमारे किल्स बराबर ही रहते हैं। उसके बाद है ना यहाँ पर हमारी अभी फाइट स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर पहले तो हम ढूंढ रहे होते क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने खेला था, पहला ही रूम लगाया था ये, तो यहाँ पर हमारी फाइट वगैरह हो रही होती है। अगर इस वीडियो पर ना सिर्फ और सिर्फ 10 लाइक भी आ जाते हैं, मतलब ओनली 10 लाइक्स आ जाते हैं, तो इसके बाद मैंने एक लिविक वाला भी अपलोड करूँगा, क्योंकि लिविक वाला जो आया है ना अरीना का मैप, उसमें भी है ना मैंने खेला था, तो वो वाला भी मैं अपलोड कर दूंगा अगर 10 लाइक आ जाते हैं। तो जब तक आप ये इंजॉय करो, और यहाँ पर देखना मैंने प्रैंक कैसा किया, मतलब इस बंदे को मैंने कितना पैनिक कर दिया। मुझे पता था ये बंदा यहाँ पर मैं जाऊँगा तो इस तरफ लाजमी आएगा भागता हुआ। मैं यहाँ फ्री फायर करता हूँ, डैमेज होता है, फिर वापस जाता है, फिर मैं वापस फुट स्टेप देके दोबारा यहाँ पर आता हूँ, मुझे पता है दोबारा आएगा ये बंदा। तो इसी तरह ना ये फ्री फायर में ना मेरे ना आ जाता है, और इस तरह मैं बिल्कुल इजी किल ना यहाँ पर करता हूँ। तो नो हेट वाला सीन है, फ्रेंडली मैच मैंने खेला है, मेरा दोस्त है पबजी, हम साथ ही खेलते हैं, तो इसके साथ मैंने 1v1 लगाया, मतलब कि मैं ना ज़्यादातर TDM वगैरह खेलता नहीं हूँ ना, तो इसलिए इसके गेम वगैरह बहुत अच्छे, जबकि ये ना बहुत टाइम बाद है ना, इसने अभी है ना पबजी थोड़ा खेलना कम कर दी थी, मतलब कि उसके बाद ये दोबारा आया, लेकिन फिर भी अभी अच्छा खेल रहा है। तो मतलब कि ये है ना TDM खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ क्लासिक, तो इसलिए मेरा TDM का गेम इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी ये फाइट बहुत अच्छी जाती है। अभी तो स्टार्टिंग में मेरी पिटाई होती है, लेकिन आप आखिर में ना किल्स वगैरह देखना कैसे होते हैं आपके भाई के। तो यहाँ पर आपका भाई पुश कर रहा होता है, यहाँ पर है ना देखो जिगल मैंने दिया है, लेकिन मेरा एक भी बुलेट नहीं कनेक्ट होती, लास्ट में हेड लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर किल हो जाता हूँ। उसके बाद है ना यहाँ पर इनकी 2 की लीड हो चुकी है, तो हम जाते हैं लेफ्ट से थोड़ा घूम गए, तो यहाँ पर मैंने हैंड फ्री लगाई हुई थी, मुझे फुट स्टेप बहुत अच्छे आ रहे होते हैं इस मैप में ना, और ये बाद में मुझे बोलता है, मुझे तो फुट स्टेप समझ ही नहीं आ रहे थे कहाँ कहाँ से आते हैं, और इसके बारे में आपको आगे पता भी चलेगा जब इसके साथ प्रैंक करने वाला हो ना, मतलब कि वो जो फिस्ट प्लस जंप वाला सीन है ना वो प्रैंक में करने वाला, तो वो लाजमी देखना। यहाँ पर ये फाइट देखो ये अच्छी थी, तो यहाँ पर हमारा ये किल हो जाता है। इसके बाद हम दोबारा चलते हैं, अब देखो पुश वगैरह करते हैं, तो मैं ना फायर वगैरह दे रहा होता हूँ, तो भाई साहब आ रहे होते हैं लेफ्ट से, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ आगे की तरफ उनके साथ पुश करने, तो भाई साहब होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरी बुलेट्स कनेक्ट होती है, बॉडी लगती है, दोबारा कनेक्ट होती है, मतलब 3 दफ़ा मैंने बॉडी मारी, और फिर भाई साहब देखना कितना भाग के जाएंगे, मुझे फुट स्टेप आ जाते हैं कहाँ पर आया, मैं उसी तरफ बिल्कुल डायरेक्ट आ जाता हूँ, यहाँ पर इजी किल कर देता हूँ भाई को, क्योंकि भाई होता है यहाँ पर डैमेज। उसके बाद हम चलते हैं, हमारी लीड यहाँ पर बराबर हो चुकी है, लेकिन अभी रुको ज़रा, अभी हमारी पिटाई होने वाली है, देखो भाई। और इस वाले मैप में पता है क्या सीन है, इस वाले मैप में ये सीन है, दूसरे वाले जो हम TDM वगैरह खेलते हैं उसमें 120 का डैमेज देना पड़ता है, और इसमें 150 का डैमेज देना पड़ता है, मतलब कि इसमें अगर आप बंदे को 3 हेड भी मार दो ना, उसके बाद भी है ना बंदा है ना सामने वाला एनिमी किल नहीं होता, और दूसरा वाला है ना उसमें आप 3 हेड मार दो ना एनिमी किल हो जाता है, तो ये सीन होता है इस वाले मैप में, तो इसलिए यहाँ पर इसमें डैमेज भी ज़्यादा देना होता है। तो यहाँ पर हमारी लीड दोबारा बराबर हो चुकी है, देख सकते हो कि ना जैसा कि हमारा बिल्कुल बराबर चल रहा है, 1 किल मेरे होते हैं, 1 किल उसका होता है, फिर 1 किल उसका होता है, फिर 1 किल मेरा हो जाता है, तो ऐसे हमारा बिल्कुल ही बराबर वाला सीन है।
बराबर वाला सीन वैसे है नहीं, स्क्रिप्टेड वगैरह कोई सीन नहीं था, मतलब हम रैंडम ही हमने लगाया था। मतलब कि दोनों आप देख सकते हो फाइट भी किया ना, कोई है ना, मतलब सामने वाला भी मिस नहीं कर रहा, मैं भी मिस नहीं कर रहा, बिल्कुल ये ना रियल फाइट हो रही है, मतलब स्क्रिप्टेड वाला कोई सीन नहीं है ना। तो यहाँ पर भाई साहब से फाइट हो रही थी, यहाँ पर मेरा क्राउच अटक जाता है थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं इजीली सारी बुलेट्स मेरी इसकी बॉडी पर कनेक्ट हो जाती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। भाई साहब को हेड बॉडी लग चुका है यहाँ पर, मैं समझा वहाँ खिड़की से आएगा लेकिन भाई साहब लेफ्ट से आते, लेकिन मैं यहाँ पर फिर डाउन कर देता हूँ फ़ौरन से, अपना एम स्विच करता हूँ उसकी तरफ और यहाँ पर ईजिली इनको डाउन करता हूँ। तो यहाँ से भाई साहब के फुट स्टेप आते हैं, इस तरफ से आ रहे होते हैं, फिर लेफ्ट से आते हैं सामने से। तो यहाँ पर मैं फ्री फायर वगैरह ना ज़्यादा दे रहा होता, तो अब देखना मैं प्रैंक देखने कैसा करता हूँ इसको। यहाँ पर है ना बिल्कुल भी साउंड नहीं आता, क्योंकि मैं ना फिस्ट करके आ रहा था, तो इसको साउंड नहीं आता कि मैं खिड़की की तरफ आ गया हूँ, और मैं विंडो से जंप करता हूँ और इसको ईजिली यहाँ पर हेड वगैरह ऊपर से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि हाइट एडवांटेज था। तो ये किल भी अच्छा, देखो मतलब कि फुल हेवी, मतलब 150 का डैमेज आपके भाई ने कैसे सिर्फ दो दफ़ा में दिया है ना, मतलब कि फुल हेवी किल्स वगैरह निकल रहे थे इसमें। तो भाई साहब यहाँ पर पता नहीं अटक जाते क्या सीन होता है, तो मैं डैमेज करके छोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला भाई भाई को चांस देते थोड़ा हील वील कर लो, लेकिन ना थोड़ा हमारे साथ यहाँ पर प्रैंक वगैरह हो जाता है, इनको हील वगैरह मतलब कि ढील देना, क्योंकि अच्छा प्लेयर है, तो भाई साहब मतलब कि इतनी ढील नहीं देनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारी तीन की लीड है, फिर भी चलो बेहतर है। तो यहाँ पर मेरा लास्ट में हेड कनेक्ट होने वाला है, यहाँ पर मेरा हेड लगता है, लेकिन आपको पता है जैसा कि डैमेज बहुत देना पड़ता है, तो इस तरह यहाँ मैं किल हो जाता हूँ। दो की लीड हमारी, अभी देखो ये दो की लीड है ना, अभी ये लीड दोबारा कम होने वाली है, मतलब कि है ना फुल, मतलब कि नेक टू नेक गेम चल रहा था ना, मतलब कि एक किल हमारा। अब मुझे साउंड आ रहा था, देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, मैं वहाँ पर ही एम करके बैठा हूँ, मुझे पता है विंडो से आएगा, मैंने ईजिली यहाँ पर है ना इसको डाउन किया, क्योंकि मुझे प्रॉपर साउंड आ रहा था कि मतलब कि बंदा किस जगह से जा रहा है और कहाँ से जंप करने वाला है, और मैं वहाँ ही एम करके बैठा हूँ। और ये मत समझ लेना कि मैंने कोई ESP वगैरह लगाया हुआ है, मतलब कि अगर आप हैंड फ्री अच्छी वाली लो रहे हो या साउंड अच्छा ले रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है मतलब कि उससे। तो यहाँ पर मैं ना बहुत अच्छा साउंड वगैरह लेता हूँ और इसको ईजिली यहाँ पर डाउन करता हूँ, मतलब कि अगर आप साउंड वगैरह अच्छा लेते हो ना, तो मतलब कि आपके पास है ना 50% गेम ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि है ना कितना आसान है उस बंदे को मारना, और वो बंदा किधर से आता है, और आप फ्री फायर लेके उसको ईजिली डाउन कर देते हो। तो ये सीन होता है, मैं वहाँ पर विंडो में ना इन भाई को ईजिली यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। तो उसके बाद आपने देखा मेरी दोबारा पिटाई हो गई थी, फिर हमने दोबारा किल किया, मतलब कि ऐसा सीन चल रहा था, एक किल हमारा होता है, एक किल उनका होता है, लेजेंड्री कोई भी नहीं मार पाया अभी तक इस वाले मैप में। तो चलते हैं अब आगे, क्या हमारी लेजेंड्री हो पाती है या नहीं। हेड बॉडी लग चुका है, जंप करके भाई दोबारा हेड लगता है, मतलब कि देख रहे हो दो हेड के बाद कितनी ज़्यादा बॉडी वगैरह मारनी पड़ रही है, उसके बाद जाके बंदा किल हो रहा है ना, मतलब 155 डैमेज बहुत होता है। और वैसे ना मैं आपको बताऊं कि ना TDM में जो होता है ना नॉर्मल वाला टीम डेथ मैच में, उसमें होता है 120 का डैमेज, क्लासिक खेलते हो ना उसमें होता है 100 का डैमेज, और ये जो रॉयल अरीना वाला मैप है ना इसमें होता है 150 का डैमेज। तो मतलब कि ये थोड़ा मैप थोड़ा मुश्किल है, मतलब कि क्लासिक भी वैसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपके पास पूरा स्क्वाड पुश कर होता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडल करना उसको भी। तो चलते हैं अपने गेम की तरफ दोबारा, हमारी यहाँ पर दोबारा फिर से तीन की लीड हो गई थी, क्योंकि लीड बार बार हो रही है, फिर कम हो रही है। तो यहाँ पर मैं बहुत फ्री फायर वगैरह देता हूँ भाई साहब को, तो भाई साहब मैंने यहाँ पर आ रहे नहीं होते, लेकिन हेड बॉडी लग चुका होता, डैमेज होता है, मैं मनो वाला पुश करते हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर नहीं होती, बच जाता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट में मेरा ड्रॉप शॉट लग जाता है ना, बिल्कुल अहम पक्का हो जाता है उस बंदे पे। तो इस तरह हम यहाँ पर ईजिली डाउन करते हैं, और अब इसके बाद है ना आपके भाई है ना इसकी पिटाई करने वाला है, मतलब कि जितना अभी जो नेक टू नेक चल रहा था ना, मतलब कि बराबर बराबर वाला सीन, वो अब ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर इसने बहुत अच्छा जिगल दिया, मैं मानता हूँ भाई, ये जो इसने वापस आके जो मारा ना बहुत हैवी था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं यहाँ पर बच जाता हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता मैं कैसे बचा 1 HP से। मैं तो यहाँ पर समझ लो कोशिश भी नहीं कर रहा था ना, मैं जिगल वगैरह दे रहा था, बस मैं फ्री फायर दे जा रहा था, तो पता नहीं कैसे मैं यहाँ पे बच जाता हूँ, मतलब कि ये तो अच्छा मारा था उसने ना। तो यहाँ पर है ना, अब मैं दोबारा बता दूँ कि अगर इस वीडियो पर 10 लाइक्स आ जाते हैं ना, तो उसके बाद जाके मैं लिविंग वाला है ना रॉयल अरीना वाला TDM मैप है ना मैं अपलोड करूँगा, वरना मैं नहीं करना, मेरा मूड नहीं है, मतलब जाओ यार, मैं ना क्लासिक वगैरह ही कुछ अपलोड कर दूँगा, TDM अपलोड नहीं करना, अगर आपको मज़ा ही नहीं आ रहा तो अपलोड करने का फिर फ़ायदा ही नहीं है ना। तो यहाँ पर है ना हमारी लीड अच्छी खासी हो जाती है, मतलब 6 की लीड हो जाती है, और लेजेंडरी भी चल रही होती है, लेकिन अभी 5 की नहीं हुई, अब देखते हैं आगे कि हो पाती है या नहीं हो पाती।
तो यहाँ पर आप भाई साहब को पहले तो साउंड लो, यहाँ से लेफ्ट से आते डैमेज करते हो। अब यहाँ पर मैं थोड़ा तफरी करने लग जाता हूँ क्योंकि मैंने बोला इजी, मतलब कि टाइम वगैरह कम बचा है तो मैं खुद ही जानबूझ के छत पर चढ़ जाता हूँ। और यहाँ पर देखना कितनी ज़्यादा तफरी होती है ना, मतलब कि मैं यहाँ पर बार बार एम कर रहा था, लेकिन यहाँ से एम करना बहुत मुश्किल होता है। अगर FPP भी होता ना तो मतलब बंदा स्विच करके ना इजिली डाउन कर देता है, लेकिन यहाँ पर FPP वाला सीन नहीं था तो एम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लास्ट में मैं यहाँ पर है ना जंप करके इसको मार ही दूंगा। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, अब जंप करके फाइट ले लो क्योंकि है ना उसके लिए भी मुश्किल हो रहा है, मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर जंप करता हूँ लास्ट में। तो यहाँ पर अब ये लास्ट वाला किल है, मतलब 5 सेकंड बाकी है, तो आपको भाई यहाँ पर इजली इनको डाउन करते हैं और हमारी 7 की लीड से हम ये वाला मैप जीत जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करोगे तो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा वरना नहीं आएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।